ये देख लो भाई डिस्प्ले आ चुका है। अब आई इस बोर्ड की बारी, चलो देख लो डिस्प्ले आ चुका है। अब मैं बोर्ड का फॉल्ट बता दूँ आपको, आप परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो चलिए मैं बताता हूँ उसमें। तो जल्दी जल्दी हमने इसे डिसेंबल कर लिया है, अब पूरा सीक्वेंस समझो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरा सीक्वेंस ध्यान से समझो। देखो मैंने जैसा अपने वीडियो में बताया था कि अगर हमारी प्रोसेसर कोड नहीं बन रही है तो कुछ भी हो सकता है, या तो हमारे इसकी VTT ना बन रही हो, या हमारे रैम की सप्लाई ना बन रही हो, या हमारे GMC की सप्लाई ना बन रही हो, तो इन या हमारी कोर आईसी ख़राब हो, या हमारी कोर आईसी को अनेबल ना मिल रहा हो, तो ये हमारे सामने फॉल्ट आते हैं जब हमारा प्रोसेसर हीट नहीं होता। ये सबसे आसान बोर्ड होते हैं, ये 3141 945, ये सब आसान बोर्ड हैं, इन्हें रिपेयर करना ज़्यादा आसान है, 61 करने थोड़े से मुश्किल है। तो इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें यहाँ पर सप्लाई नहीं बन रही थी, ये आपको सेक्शन दिखा, और ये आपको आईसी भी दिख गई होगी जो मैंने चेंज मारी। देख लो आप, इस आईसी का नंबर मैं आपको बता दे रहा, वैसे दिखेगा नहीं, 7120 है इसका नंबर। तो ये आईसी क्या करती है, स्विचिंग कराती है और इसे सप्लाई पहुँचाती है। जब तक इसे सप्लाई नहीं पहुँचेगी तब तक का हमारी कोर नहीं बनेगी। हमारा क्योंकि हमारे पास बंदे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा मदरबोर्ड तो ऑन हो रहा है बट नो डिस्प्ले कैसे। तो नो डिस्प्ले में जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो क्या करता है, रैम निकालता है, साफ करता है, लगाता है, आ गया तो ठीक है, नहीं है। लेकिन नो डिस्प्ले के केस में इतने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है तो हमारा IO और ICH इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब यह है बस, उसका मतलब कोई भी नहीं है। और अगर हमारा नो डिस्प्ले है तो नो डिस्प्ले में कुछ भी ख़राब हो सकता है, प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, रैम ख़राब हो सकता है, BIOS ख़राब हो सकती है, GMCH भी ख़राब हो सकता है, ICH भी हो सकता है, क्लॉक IC भी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। फिलहाल इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें यदि प्रॉब्लम थी और सॉल्व हो गया, और ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरी कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओगे।